हेलो दोस्त, क्या हाल। इफ यू रिमेम्बर आपने अपने गांव, शहर या फिर ट्रेन में सफर करते हुए ये बॉक्स देखे होंगे। वेल, देखे ही होंगे, लेकिन क्या तुम्हें पता है ये किस लिए लगे हैं या फिर ये क्या काम करते हैं। इफ यू डोंट नो देन वॉच दिस वीडियो टिल एंड और आप जानेंगे ऐसी बहुत सी मजेदार बातों के बारे में। लेकिन सबसे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। रेलवे ट्रैक्स पर ऐसे सिल्वर बॉक्स लगाए जाते हैं। एक्चुअल में ये एक स्टोरेज डिवाइस होता है जो वायरिंग के थ्रू ट्रैक से जुड़ा होता है और जब इससे ट्रेन होकर गुजरती है तो ये उसके एक्सल को काउंट करता है। इसलिए इस बॉक्स को कहा जाता है एक्सल काउंटर बॉक्स और इसका काम होता है ट्रेन के एक्सल को काउंट करना और इसकी इन्फॉर्मेशन को रेलवे स्टेशन तक पहुंचाना। अगर कोई डब्बा पीछे छूटता है तो इसकी सूचना जल्द से जल्द अगले स्टेशन को मिल जाती है और इस तरह से किसी भी बड़े हादसे को आसानी से टाला जा सकता है। और हर 5 किलोमीटर की दूरी पर एक्सल काउंटर बॉक्स लगे होते हैं। वी डोंट नो आपने ट्रेन में सफर के दौरान ये नोटिस किया हो या नहीं, बट जब आप अगली बार ट्रेन में जाएं तो रूफ पर देखना, फैन के साइड में एक जाली लगी होगी। बट वाई? इसके पीछे का एक्चुअल रीजन है एनर्जी, द पावर ऑफ एनर्जी। ट्रेन में एक साथ बहुत से लोग ट्रेवल करते हैं, ज्यादा लोग तो ज्यादा एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। ये एनर्जी ऊपर की ओर स्टोर होने लगती है, ये तो हम सभी ने पढ़ ही रखा है। गर्म हवाएं हमेशा ऊपर की ओर चलती हैं, इसलिए ही ये जालियां वहां लगाई जाती हैं जिनसे गर्म हवाएं बाहर निकल सके। अगर ये ना लगी हो तो ट्रेन पलट भी सकती है। ट्रैक्स पर लगी इन वायर्स को हम सभी ने नोटिस किया है और इन्हीं की हेल्प से ही ट्रेनें चलती हैं। बट मेरी तरह ही आपके दिमाग में कुछ खुराफाती क्वेश्चंस इन्हें देखकर जरूर आए होंगे। एक दिन में एक ट्रैक से हजारों ट्रेनें निकलती हैं तो फिर ये तार घिसती क्यों नहीं, कहीं ये तारे एम्बोया सीमेंट से तो नहीं बनी। वेल, इट्स ए पार्ट ऑफ जॉब। एक्चुअल में इसके पीछे फिजिक्स का एक लॉ वर्क करता है। ट्रेनों का जो हिस्सा इन तारों से टच करता है उसे कहते हैं पेंटोग्राफ और इसे बनाने में नरम लोहे का यूज़ करते हैं और वायर्स को बनाने में कॉपर का यूज़ होता है। एंड मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर एक वीक मेटल और एक हार्ड मेटल को एक साथ रब करें तो इसका असर सिर्फ वीक मेटल पर ही देखने को मिलेगा। और इस केस में वायर्स का मेटल पेंटोग्राफ के मेटल से ज़्यादा हार्ड है एंड देयरफॉर वायर्स नहीं घिसती, सिर्फ पेंटोग्राफ पर ही इसका असर देखने को मिलता है। लेकिन पेंटोग्राफ भी इतनी आसानी से नहीं घिसते बिकॉज ये स्लाइटली मूव करते रहते हैं जिससे रेजिस्टेंस पेंटोग्राफ पर एक जगह ना होकर पूरे पेंटोग्राफ पर होती रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नॉलेज गंगा के अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और दूसरों की मदद करें।